नमस्कार, न्यूज़ ऑब्जर्वर के खास कार्यक्रम विशेष में आपका हार्दिक स्वागत है। कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी का इस्तीफा अंततः नामंजूर कर दिया गया उन्हीं के द्वारा, क्योंकि CWC के सदस्यों ने ये कहा कि साहब आपका यहाँ रहना जरूरी है वरना पार्टी बिखर जाएगी। और ये बात सही भी है, जब भी गैर गांधी को पार्टी की कमान मिली है तो पार्टी पूरी तरह से जिसको कहें बिखरी ही हुई नज़र आई है। अब बात करें अगर मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश के कुछ नेता अब सकुचाए और शर्माए हुए हैं। वो इसलिए कि जिन 23 सांसदों ने सोनिया गांधी के अध्यक्ष पद को या जिस नेतृत्व को चुनौती देते हुए चिट्ठी लिखी थी, उस पर राहुल गांधी ने सवाल उठाए और ये कहा कि इसकी टाइमिंग गलत थी, ये चिट्ठी ऐसे समय नहीं लिखी जानी चाहिए थी जब मध्य प्रदेश और राजस्थान की सरकार गिरने का संकट चल रहा था। इस सब घटना में मध्य प्रदेश के दो नेता, खासतौर पर विवेक तन्खा और अजय सिंह राहुल, दो के नाम भी आ रहे हैं, दोनों से कैफियत भी पूछी गई, दोनों ने अपनी सफाई भी दे दी है। और चिट्ठी लिखने वाले नेता अब ये कह रहे हैं कि वे कांग्रेस में लोकतंत्र चाहते हैं, कांग्रेस की भलाई चाहते हैं, इसीलिए ये सब उन्होंने किया। परंतु अब जो कुछ होने वाला है उसके दूरगामी परिणाम अभी से नज़र आने लगे हैं। कांग्रेस की आपसी गुटबाजी एक बार फिर सतह पर आ रही है। एक धड़ा चाहता है कि सोनिया जी या राहुल जी या प्रियंका गांधी में से ही, वाड्रा में से ही कोई जिसको कहें अध्यक्ष बने या कमान संभाले पार्टी की, और बाकी का धड़ा जो चाह रहा था वो एक तरीके से एक्सपोज हो गया है। आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे और मध्य प्रदेश की राजनीति पर पड़ने वाले प्रभावों की जानकारी भी लेंगे। चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले मेहमानों का परिचय। बात अगर मैं कांग्रेस की करूं तो कांग्रेस से वरिष्ठ नेता हैं त्रिलोक दीपानी जी, कांग्रेस का पक्ष रखेंगे, और वरिष्ठ पत्रकार के रूप में राकेश दुबे जी रहेंगे, वो इस पूरे घटनाक्रम की मीमांसा प्रस्तुत करेंगे। सबसे पहला सवाल यहाँ पर त्रिलोक जी आपसे, कांग्रेस में कहा तो ये जा रहा था कि इस बार गैर गांधी कोई अध्यक्ष आएगा, परंतु जो कुछ निकल कर आया उसमें तो वही ढाक के तीन पात। देखिए, जहां तक प्रकाश जी कांग्रेस की बात है, तो हमेशा कांग्रेस को आगे बढ़ाने वाला, एक रूप में ले जाने वाला, और जिसके नेतृत्व में पूरी कांग्रेस एक होकर चले, हमेशा ऐसे नेतृत्व को कमान दी गई है। जहां तक जो पिछले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को पिछड़ने के बाद राहुल गांधी ने अपना इस्तीफा दिया था, उनका इस्तीफा आज तक स्वीकार नहीं हुआ है, और कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में माननीय श्रीमती सोनिया गांधी जो है अध्यक्ष का कार्यभार संभाल रही थी। लेकिन जो CWC की मीटिंग की गई उसके अंदर कई मुद्दे उठाना थे, लेकिन उसके बाद हमारे जो वरिष्ठ कुछ कांग्रेस जन थे उनकी भावना थी कि जब सोनिया गांधी भी उस पद को छोड़ना चाहती हैं, तो एक पूर्णकालिक हमको राष्ट्रीय अध्यक्ष मिलना चाहिए। उसी परिप्रेक्ष्य में वो चिट्ठी लिखी गई थी। इसमें किसी भी प्रकार की गुटबाजी या आपस में वैनस्मयता या विरोधाभास कुछ भी नहीं था, वो सब स्पष्ट हो चुका है। राहुल जी ने भी कहा, जो मैंने कही थी बात वो राजस्थान के संदर्भ में थी और आज की बात नहीं है, वो जिस समय राजस्थान का एपिसोड चल रहा था उस समय की बात है। तो उसके बाद में आपने देखा कि पूर्ण रूप से कम 6-6.5 घंटे कार्य समिति की बैठक चली और माननीय सोनिया गांधी जी को 6 माह के लिए फिर पुनः अध्यक्ष का कार्यभार सौंपा गया। और आपने देखा होगा कि जब पहले सोनिया जी अध्यक्ष थी, जो लगातार कई वर्षों तक अध्यक्ष रही, उसी दौरान हमको यूपीए के माध्यम से केंद्र में सरकार बनाने का मौका मिला। एक कुशल नेतृत्व हमको सोनिया गांधी के रूप में, राहुल गांधी, कुल मिला के ये है कि गांधी परिवार के प्रति आपकी श्रद्धा है और कोई बुरी बात भी नहीं है, एक ही परिवार के प्रति है तो है, उसमें क्या दिक्कत है। देखिए, एक गांधी परिवार के प्रति विपक्षी हमारी पार्टियां जरूर भले अपनी दुर्भावना रखती हो, लेकिन उस परिवार का आप देखोगे कि इससे भारत देश की राजनीति में बड़ा योगदान रहा है। सबसे पहले जो जवाहरलाल नेहरू थे हमारे प्रथम, नहीं वो ठीक है, वो समझ गया मैं, दर्शक भी जानते हैं, मैं तो सिर्फ इतना जानना चाह रहा था कि वाकई आपकी श्रद्धा उन्हीं के प्रति है, बाकी और लोगों के प्रति नहीं है, जैसे गुलाम नबी आज़ाद और इन लोगों ने जो लेटर लिखा था
वो मतलब कुछ अतिरेक में लिख दिया था, क्या हुआ क्या था? नहीं, वो जो आप पत्र की बात कर रहे हैं, 23 लोगों ने जो पत्र लिखा था उसमें केवल ये भावना व्यक्त की गई थी कि पूर्णकालिक हमको राष्ट्रीय अध्यक्ष मिलना चाहिए। नहीं तो वो तो अभी भी नहीं मिला। नहीं, मेरी बात कोई भी बने वो सभी को स्वीकार्य था, क्योंकि इस समय देखा जा रहा है कि जब हमारी विपक्षी पार्टी भारतीय जनता पार्टी केंद्र में सत्ता में है और जिस प्रकार से वो कार्यकलाप कर रही है कि अन्य विरोधियों को दबाने का कार्य, तोड़ने का कार्य और सरकारें गिराने का कार्य जो कर रही है, और जो देश में विषम परिस्थितियां चाहे कोरोना काल की हो चाहे अर्थव्यवस्था की हो, उसी बारे में आज हमारे जो वरिष्ठ कांग्रेस जन चाहते हैं कि अगर हमको एक पूर्णकालिक अध्यक्ष मिलेगा तो शायद पूरी ताकत के साथ कांग्रेस हमारे विपक्षी पार्टी का मुकाबला कर सकेंगे, तो नहीं मिल पाया सरकार की गलत नीतियां उनका विरोध कर सकेंगे। तो मैं ये पूछ रहा हूँ, CWC की बैठक इसी के लिए बुलाई गई थी पर वो तो नहीं मिल पाया, 6 महीने तक आप फिर फुर्सत में हो गए? नहीं प्रकाश जी, CWC की मीटिंग तो क्योंकि उनका 1 साल का कार्यवाहक अध्यक्ष के नाते कार्य पूरा हो रहा था और सोनिया जी खुद चाहती थी कि मुझे जो कार्य मुक्त किया जाए और मेरे स्थान पर किसी वरिष्ठ नेता को कांग्रेस की बागडोर सौंपी जाए, लेकिन इस तरह के जो हमारी चुनाव की प्रक्रिया जो चलती है हमेशा, उस प्रक्रिया को नहीं अपनाकर 6 माह के लिए उनको और कार्यवाहक अध्यक्ष का, तो ये अच्छा हुआ कि पूर्णकालिक अध्यक्ष नहीं मिला आपको, या ठीक है गांधी जी मिल गई तो वो पूर्णकालिक अध्यक्ष के बराबर ही है? नहीं देखिए, आप जहाँ तक नेतृत्व की बात है, हाँ, जिस प्रकार से वो पहले भी राष्ट्रीय अध्यक्ष रहते हुए और हमको केंद्र में सत्ता दिलवाई थी और नहीं, वो ठीक है, सुन लिया, सामने समस्या आती थी या कुछ भी थी, बहुत ही कुशलता पूर्वक उन्होंने उस अपने पद की गरिमा के अनुसार उसको निभाया था। लेकिन वर्तमान परिस्थितियों में ये देखने आ रहा है कि राष्ट्र के लोग, देश के लोग चाहते हैं कि कांग्रेस एक सशक्त माध्यम के रूप में लोगों के बीच में आए और भारतीय जनता पार्टी का विकल्प बने। तो सोनिया जी नहीं कर पाएंगी क्या ये काम? नहीं कर पाएंगी, लेकिन उनका स्वास्थ्य भी कुछ है। चलिए ठीक है राकेश जी, ठीक है, वर्तमान परिस्थितियां बनी है उसमें एक पूर्णकालिक अध्यक्ष मिलता है तो बहुत अच्छा रहेगा। या मैं राकेश जी आपसे जानना चाहूँगा कि ये मतलब कांग्रेस में क्या चल रहा है कि चाहते भी हैं कि कोई समस्या है उसका ऑपरेशन हो जाए और दूसरी तरफ ढांकना भी चाहते हैं कि नहीं अगर ऑपरेशन की बात बता दी तो दिक्कत हो जाएगी कांग्रेस में, ये सब चीज़ें क्या चल रही हैं? देखिए कांग्रेस जिस गांधी के नाम का इस्तेमाल करती है वो गांधी महात्मा गांधी थे और उन्होंने जो बात उस समय कही थी वो होती हुई अब दिखाई दे रही है। महात्मा गांधी ने कहा था आज़ादी के बाद कि कांग्रेस को ख़त्म कर देना चाहिए, इस पार्टी की अब आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कांग्रेस उस समय आंदोलन था, वो आंदोलन बढ़ते बढ़ते अब जिस तरह से जा रहा है, आज देश के अंदर लोकसभा में इतनी कम सीटें कांग्रेस के पास हैं कि विपक्ष का नेता तक अपने को चुनवाने में असमर्थ महसूस कर रहे हैं। तो आज देश के सामने विपक्ष कहाँ है, और जिस तरह से अधिनायकवादी ताकत से भारतीय जनता पार्टी चल रही है, ये भारत के प्रजातंत्र के लिए बेहद बड़ा खतरा है। भारत के में हमारी चुनाव पद्धति सरकार भी चुनती है और प्रतिपक्ष भी चुनती है, कांग्रेस ना तो प्रतिपक्ष बन पाई और ना सरकार बना पाई। प्रतिपक्ष बनती तो कम से कम उसकी सीटें 100 से ऊपर होना चाहिए थी, तब वो प्रतिपक्ष की आवाज बनती। मैं जानना चाहूंगा आपसे कि इसका मध्य प्रदेश पर अब क्या असर होने वाला है, क्योंकि दो लोग यहाँ के भी थे, अजय सिंह राहुल हो या विवेक तन्खा हो, इन्होंने भी उस पर साइन किए थे लेटर पर। देखिए मध्य प्रदेश के बारे में तो राहुल गांधी ने जो कमेंट किया था कि यहाँ नेता सिर्फ आते हैं टिकट के लिए या अपने बेटों को स्थापित करने के लिए, मध्य प्रदेश की स्थिति वही की वही है, सारे लोग अपने बेटों को स्थापित करने वाले हैं। अगर अर्जुन सिंह अभी होते तो शायद राहुल सिंह की ये दुर्दशा नहीं होती। आज राहुल सिंह सिर्फ विरोध की आवाज़ बनने की कोशिश में हैं। विवेक तन्खा ने जो बातें उठाई हैं वो इस पत्र को छोड़कर, विवेक तन्खा ने जो अन्य भी पत्र लिखे हैं उन वो पत्र प्रजातंत्र को मजबूत करने वाले हैं, और ये जो बात थी वो भी कांग्रेस के अंदर इंटरनल डेमोक्रेसी को कायम करने की बात थी। कांग्रेस में इंटरनल डेमोक्रेसी में एक बार
पीवी नरसिंह राव जब अध्यक्ष बने तो उनकी क्या दुर्दशा हुई ये सबको मालूम है। हाँ, तो सारे के सारे लोग जो हैं हाँ। गांधी परिवार के इर्द गिर्द ही घूमना चाहते हैं। कल भी जो कपिल सिब्बल और गुलाम नबी आज़ाद वाला जो प्रकरण हुआ है वो कांग्रेस में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। आज उस बात को लेकर माइनॉरिटी के लोग ये कहने लगे हैं कि गुलाम नबी आज़ाद की ये दुर्दशा देखकर हम कैसे विश्वास कर लें कि कांग्रेस हमारे साथ है। बिल्कुल, तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा त्रिलोक जी के, चलिए राष्ट्रीय स्तर पर तो जो हो रहा है हो ही रहा है, आपके दो नेता यहाँ के मध्य प्रदेश के भी हैं जिन्होंने उसमें पार्टिसिपेट कर लिया, पर बात ये भी उठ रही है कि मध्य प्रदेश में भी कमोबेश यही स्थिति है। संगठन में अध्यक्ष तो है पर नज़र नहीं आते हैं, लोग मिल नहीं पाते हैं उनसे। विंध्य के दो नेता जिनमें एक तो ये साइन करने वाले भी हैं वो इसलिए नाराज हो गए हैं कि आप टाइम ही नहीं है आपके प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ जी के पास। देखिए, जहाँ तक मध्य प्रदेश के दो हमारे वरिष्ठ नेताओं के हस्ताक्षर की जो आप बात कर रहे हैं वो केवल इसी बात के लिए हस्ताक्षर किए गए थे कि सामूहिक नेतृत्व करके एक विचार करके अगर हमको राष्ट्रीय अध्यक्ष मिलता है वो चाहे चुनाव के माध्यम से मिले, क्योंकि उस समय तक कल तक कोई भी ऐसा चेहरा ऐसा नाम एकमत होकर उन्होंने प्रस्तुत नहीं किया था कि हम इसके नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी को राष्ट्रीय स्तर पर चलाने के प्रयास करेंगे या उस पर। केवल उनकी भावना यही थी कि कांग्रेस और ज्यादा सक्रिय हो, और उसके बाद जैसे आपने मध्य प्रदेश की बात की तो माननीय कमलनाथ जी आज दोहरी भूमिका में हैं क्योंकि उनको नेता प्रतिपक्ष भी बनना पड़ा, क्योंकि इस समय जो वर्तमान मतलब हाईकमान ने कहा था या आप लोगों ने जिद करी थी कि नहीं बन जाओ सोनिया गांधी की तरह आप ही सारे पद संभाल। मैं वही बात बता रहा हूँ जी, जो मध्य प्रदेश में परिस्थितियां बनी है कि जिस प्रकार से हमारे ही एक कांग्रेस के नेता ने हमको धोखा देकर हमारी पीठ में छुरा भोंक कर जिस प्रकार से अच्छे तरीके से चल रही मध्य प्रदेश की सरकार को गिराया था, चाहे वो भ्रष्टाचार के पैसों के माध्यम से हो या किसी भी माध्यम से हो, तो जो कांग्रेस की नीतियां थी कि कांग्रेस चाहती थी कि एक समृद्ध मध्य प्रदेश बने उसको लेकर कमलनाथ जी बहुत अच्छे तरीके से कार्य कर रहे थे। और वर्तमान में जब तक ये उपचुनाव नहीं हो पाते तो सभी का ये एक विचार रहा कि कमलनाथ जी को ही कंटिन्यू किया जाए कि क्योंकि उपचुनाव के बाद वो उन्होंने स्वयं पहले भी उन्होंने जाकर ताकि मतलब उपचुनाव का भी ठीकरा जो है वो कमलनाथ जी पे ही फोड़े। नहीं, ठीकरा नहीं, आप देखेंगे बहुत ही हमारे अच्छे और हमारे पक्ष के परिणाम आपको देखने के मिलेंगे, क्योंकि देखा ही जिस तरह से परसों ये ग्वालियर के अंदर जो कार्यक्रम इन्होंने आयोजित कर फर्जीवाड़ा किया है, क्योंकि वहां पर न इतने कांग्रेस के कार्यकर्ता उनके साथ गए न वहां पर इतना सदस्यता अभियान चला। एक मिनट, पूरी दो लाइन में और बिल्कुल कर लीजिए, कर लीजिए दो लाइन में खत्म। बिल्कुल, तो जिस प्रकार का फर्जीवाड़ा, क्योंकि ऑलरेडी जो पहले से ही भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे उनको इकट्ठा किया गया और ये दिखाया गया कि इतने कांग्रेस के लोग उनको चाहिए, अगर हमारे कांग्रेस के इतने 40,000 लोग गए हैं तो उनका पद या उनकी सक्रियता का एक कोई हमारे पास उदाहरण पेश करें कि इतने 40,000 कांग्रेस का। उसके विपरीत आपने देखा कि जिस प्रकार से ग्वालियर और चंबल संभाग के लोग मैं बोल रहा हूँ वहां की जनता ने सड़कों पर उतर कर एक वहां के जो हमारे पास से नेता उनकी क्षेत्र में ही उनका जिस प्रकार से विरोध किया तो उससे ये साबित होता है कि वहां की जनता बिल्कुल जाग चुकी है और एक पार्टी के साथ ऐसे ही गद्दारी करने को वो सहन नहीं करेगी। और उससे ज्यादा जो लोग गद्दारी पहली बार हुई है या एक बार और आपके साथ हो चुकी है? नहीं, देखो ये तो राजनीतिक गतिविधियां है, पार्टी है, कोई स्वार्थवश कोई किसी दबाववश या किसी लालचवश किसी भी पार्टी को छोड़कर चला जाता है। कई लोग हैं भारतीय जनता पार्टी छोड़कर। अच्छा, ये सुनिए तो सही, सुन तो लीजिए, सुन लीजिए। जैसे मोतीलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, अर्जुन सिंह जी, इनको गद्दार की श्रेणी में रखते हैं क्या? माधवराव सिंधिया, ये भी छोड़ के चले गए थे कांग्रेस। ये जो हमारे वरिष्ठ नेता रहे ये हमारे लिए परम सम्मानीय है। कभी उन्होंने ऐसा आ गए थे लौट के मतलब कार्यकलाप ऐसा नहीं किया जिससे कि उनको किया आपने देखा। नहीं, सुनिए तो सही, मेरा सवाल तो सुन लीजिए। मैं ये पूछ रहा हूँ, सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस छोड़ी, मोतीलाल नेहरू जो नेहरू जी के पिताजी थे उनने छोड़ी कांग्रेस, और अपन तो अभी लेटेस्ट की बात करें,
अर्जुन सिंह जी ने छोड़ी, माधवराव सिंधिया जी ने छोड़ी कांग्रेस, तो क्या वो गद्दारों की श्रेणी में आएंगे? देखिए कांग्रेस को छोड़ना अलग बात है, हो सकता है कि घर के अंदर चार भाई हों, उनमें एक का किसी का विचार नहीं मिलता हो तो वो अगर परिवार से अलग होकर अगर अपना परिवार बनाता है, लेकिन जिस प्रकार से षड्यंत्र करके भारतीय जनता पार्टी, इसमें षड्यंत्र क्या, आप ही के मुख्यमंत्री तत्कालीन कमलनाथ जी ने ही कहा कि अगर माधव ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को उतरना है सड़क पे तो उतर जाएं, तो मैं तो उतर गए। मैं आपकी बात को आगे बढ़ाता हूँ, पूछना चाहूंगा कि अगर उनको कमलनाथ जी की कोई भी गतिविधि या उनका कार्यकलाप या सरकार चलाने का तरीका अगर उनको पसंद नहीं था तो पार्टी के मंच पर भी आके उस बात को उठाते, तो यही तो कह रहे हैं वो। अरे सुन तो लीजिए, मीडिया में जाके सुन तो लीजिए, मीडिया नहीं नहीं सुन लीजिए, क्या है मीडिया में सबसे पहले तो जो सार्वजनिक सभा में बयान दिया उन्होंने कि अगर ये समस्याएं, किसानों का पूरा कर्जा माफ़ नहीं हुआ तो मैं छोड़ दूंगा, सड़क पे आ जाऊंगा, ये चीज़ें दो तीन उन्होंने कही, अतिथि शिक्षकों वाली भी, शिक्षकों वाली भी उन्होंने कही, ठीक है। उसके बाद आपकी तरफ से ये आया कि हाँ भाई उतरना हो तो उतर जाएँ सड़क पर। भाई ये बात जब घर का मुखिया होता है, अगर कोई सदस्य नाराज है तो उसको मनाने की कोशिश करते हैं कि और दो लठ जड़ दो उसमें ताकि वो अलग ही हो जाए। देखिए प्रकाश जी, जिस प्रकार से हमारे माननीय कमलनाथ जी ने मुख्यमंत्री रहते हुए 22 लाख किसानों का कर्जा माफ किया, क्योंकि टोटल 55 लाख किसानों को दो चरणों में 22 लाख किसानों का कर्जा माफ किया, जिस प्रकार से वो प्रदेश के किसानों का भला करना चाहते थे, या अतिथि शिक्षकों वाली बात है तो उनके ऊपर झूठे आरोप लगाकर, अच्छा एक बात एक सुन लीजिए, हाँ चलिए, अगर उनसे कहा गया कि अगर ये आप नहीं करोगे तो मैं अपना सड़क पर उतर जाऊंगा, ठीक बात, तो वही परिस्थितियां आज भारतीय जनता पार्टी के शासन में बनी है, न अतिथि, अब आगे तो सुनिए, अब आगे किसानों का कर्जा माफ हुआ, वही जिन एक लाइन पूरी हो जाती जी, और कर लीजिए, जो बातें उन्होंने कही थी अगर इनको पूरा नहीं किया गया तो मैं सड़क पर, तो आज क्यों नहीं वो सड़क पर उतर रहे, आप सुन लीजिए, अरे वो तो उतर गए, सरकार बनी है मध्य प्रदेश में शिवराज जी, सुन तो लीजिए अब आगे का, तो सुनिए उनके माध्यम से उनका समस्या हल करवा, आगे तो सुनिए भाई, वो तो आपकी पार्टी में थे तो वो आप ही ने कहा कि चलो निकल लो, तुम तो उतर लो सड़क पे, तो वो अगला अपने साथियों को लेकर उतर गया। सवाल ये है कि आपने घोषणा पत्र में लिखित में कहा था कि नहीं, ये घोषणा पत्र आपने कहा था ये हमारा वचन पत्र है, यानी शपथ पत्र है, यही था ना, वचन पत्र ही था ना, शपथ पत्र भी मतलब झूठे देती है क्या कांग्रेस, क्या लिखा था उसमें, सुन तो ली, अरे सुनिए मेरा सवाल, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष तत्कालीन जो थे राहुल गांधी, उन्होंने कहा ये गिनती गुनिए, 1, 2, 3, 10 दिन में कर्जा माफ नहीं हुआ 2 लाख का तो CM बदल दें, ये कहा था कि नहीं, अपनी बात रखूंगा, अरे सुन तो ली, हाँ देखिए सबसे पहले तो प्रकाश जी मैं आपके माध्यम से पूछना चाहूंगा, क्या ये हमारी सरकार कमलनाथ जी के नेतृत्व में 15 महीने के लिए बनी थी, ये हमारी सरकार 5 साल के लिए बनी थी, घोषणा पत्र में लिखा था क्या, पूरी बात तो कह दी, अगर हमको पूरे 5 साल मिलते तो जो भी हमने वचन, आपने देखा होगा हमने ब्रोशर करके और ये 1 साल के अंदर जो 400 घोषणाएं वचन पूरी कर दी थी, वचन पत्र में कही थी उनको पूरा किया, किसानों के अगर 22 लाख किसानों का कर्जा माफ किया तो हमने अपने वायदे को निभाया, बेरोजगारों को रोजगार देने की बात कही, कन्यादान की राशि बढ़ाई और जो भी अपराधीकरण हो गई, बात आपकी बात हो गई, हर आपकी बात हो गई, मैंने सवाल कुछ पूछा आप कुछ और बता रहे हैं, मैंने इतना पूछा पहले आप किसानों का बताएं, 10 दिन में राहुल गांधी जी ने कहा था कि नहीं कहा था, कहा था कि नहीं कहा था, देखिए अरे नहीं कहा था या नहीं कहा था, अंदर आप तो 10 दिन की बात कर रहे हो, मैं तो कहता हूँ 24 घंटे के अंदर जैसे ही कमलनाथ जी ने शपथ ग्रहण की और वल्लभ भवन जाने के बाद पहली फाइल जिस पर उन्होंने हस्ताक्षर किए वो किसानों के कर्जा माफ करने की फाइल थी, तो सुन तो लीजिए, उन्होंने जब माफ कर दिया ना, अब सुनिए माफ कर दिया, जब हमने हमारे माननीय मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने घोषणा कर दी कि आज मैंने इसके ऊपर दस्तखत कर दिए और किसानों का कर्जा माफ होगा, उसके लिए किसानों से अपने उनके पूछे गए कि आपको किस किस बैंक से कर्जा लिया है, किस बात का, अरे अब आप झुकवाइए मत फालतू, अभी आपने कहा ना 22.5 के माफ, हमने किसानों का कर्जा माफ, अरे भाई साहब सुन तो लीजिए, 2 लाख तो माफ नहीं हुआ, आपने कहा चरणों में कर दिया,
शपथ पत्र में ये कहीं लिखा है कि हम 5 साल के लिए आए हैं चुन के और 5 साल में ही करेंगे, 10 दिन में नहीं करेंगे, चाहे राहुल गांधी कहें चाहे उनकी माता श्री सोनिया जी कहें, हम नहीं सुनेंगे। देखिए प्रकाश जी, मैं आपकी बात को ही चलो मैं लेता हूँ। हाँ, तो आप जी, तो मैं आपकी काबिलियत को भी तारीफ करता हूँ कि हर शब्द को आप पकड़ लेते हैं। जी, उसके विपरीत जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार महाराष्ट्र के अंदर थी, उन्होंने कहा किसानों का कर्जा माफ करेंगे। नहीं, वो तो सही कह रहे हैं, सुन तो लीजिए, उन्होंने भुगता उसका 7 साल में उन्होंने किसानों का कर्जा माफ नहीं किया तो भुगता उन्होंने उत्तर प्रदेश। देखिए योगी सरकार ने कहा हम किसानों का कर्जा माफ करेंगे, आज तक किसानों का कर्जा 25% किसानों का कर्जा माफ नहीं किया, आगे वो भी भुगत लेंगे, समय लगता है। सुन तो लीजिए, मैं तो आपकी बात कर रहा हूँ, मैं अभी दूसरे की बात नहीं कर रहा। देखिए क्या है, दर्शक आपको देखते हैं, आपकी पार्टी 125 साल पुरानी, इतनी पुरानी पार्टी है तो लोग आपसे अपेक्षा करते हैं। आप क्या एक छोटी पार्टी से अपनी तुलना करना पसंद करेंगे क्या? नहीं करेंगे ना। तो अब मैं इतना विपक्षी पार्टी से तुलना कर रहा हूं। बिल्कुल, तो मैं आपसे सिर्फ इतना जब 55 लाख किसानों का कर्जा माफ होना था, हाँ, क्या आप समझ तो आपने 22.5 कर दिए। 55 लाख किसानों का कर्जा माफ हो, मैं भी व्यापारी हूँ, हाँ, मैं भी, हमारे अगर फाइल के अंदर हमको अच्छा तो एक बात बताइए, तो पहले छोटे छोटे बिल पेमेंट कर। अरे भाई साहब सुन लीजिए, मैं इन सब पे नहीं जाना चाहता, मैं तो आपके वचन पत्र की बात कर रहा हूँ। आप जनता के बीच जाके बता देते, आपके ही लक्ष्मण सिंह जी ने कहा कि साहब माफी मांग ले कांग्रेस के, साहब नहीं कर पाए 10 दिन में, ये कहा था ना लक्ष्मण सिंह जी ने, 10 दिन के अंदर हमने ये घोषणा करके उस प्रक्रिया को चालू कर दिया। हाँ, अब घुमा के माफ करने की शुरुआत हो गई। बिल्कुल, और हमने जब ये माननीय शिवराज सिंह, चलिए आगे ही वो आता, अब उसको मत, अब मत कर्जा माफ मत रिपीट करिए, अब आगे का सुन लीजिए, बाकायदा साक्ष्यों के साथ। अरे सुन लीजिए, और एक एक जिसमें उनके रिश्तेदारों के नाम भी थे। अरे आगे की सुन लीजिए, ये सब जनता को पता है, कई बार सुन चुकी है जनता। आपके चक्कर में किसान डिफाल्टर हो गए, वो अभी जब आप पहुंचोगे ना, टिकट वितरण जब आपके यहाँ हो जाएगा उपचुनाव में, और जब वोट मांगने पहुंचेंगे तब वो बताएंगे आपको कि क्या किया था आपने। मैं तो सिर्फ एक और पूछ रहा हूँ, युवाओं के लिए आपने कहा है 4000 रुपये बेरोजगारी भत्ता देंगे हर महीने, उसमें क्या हुआ? देखिए उसके लिए प्रक्रिया चल रही थी, जैसे मैंने कहा कि पूरी लिस्ट तैयार हो गई थी, जो बेरोजगार हैं उनका नामांकन किया जा रहा था और उनको देने की बात चल रही थी। दौरान देखिए उसी दौरान लोकसभा चुनाव आए, उसमें भी टाइम लगा, 2-3 महीने 3-4 महीने निकल गए, उसके बाद हमारी सरकार चली गई। कि आखिर आप क्या नहीं, एक बात बताओ, सरकार सरकार जनता ने गिराई? देखिए आज नहीं नहीं, आप बार बार कहते हैं हमारी सरकार चली गई, नहीं नहीं, क्या भारतीय जनता पार्टी ने जो अपने घोषणा पत्र में कही है? अरे घोषणा पत्र उनके सुनिए, समय लगता है, सवाल सुनिए, मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि वो गलती कर रहे थे, उनको 2018 में जनता ने घर बैठा दिया था, आपको तो मौका मिला था, आपकी सरकार गिर गई, जनता ने तो नहीं गिराई थी, गिराई क्या जनता ने? आप ही के लोग आपस में लड़ रहे हैं कुत्ते बिल्ले की तरह, और फिर सुन लीजिए, और फिर अब आप आरोप लगा रहे हैं कि वो गद्दार था, ये वो था, हमारे यहाँ नहीं है, तो आप ही तो कह रहे हैं गद्दार था। जी का यही कहना था कि अगर हमको पूरे 5 साल मिलते तो आज उस काल को याद रखा जाता कि 5 साल के अंदर मध्य प्रदेश के अंदर कोई काम करने वाला मुख्यमंत्री हमको मिला है। बहुत बढ़िया, तो अभी उपचुनाव में दिख जाएगा, वो भी समझ में आ जाएगा आपको। चलिए ठीक है, देखेंगे 27 में से 25 सीटें कांग्रेस को आ रही है। राकेश जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि कांग्रेस क्या विचारधारा के रूप में अब कंगाली की तरफ बढ़ रही है, उसे समझ में ही नहीं आ रहा किस सवाल का क्या जवाब दें, जब अपना ही दाम खोटा हो तो परखने वाले को दोष दे रहे हैं। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, कांग्रेस आज देश का पूरा राजनीतिक वितान को देखें तो राजनीतिक वितान क्या बताता है, 125 साल पुरानी एक पार्टी है, एक अपने आप को विश्व की सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा करती है, और इन दोनों के पास किसान के लिए, युवा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, शिक्षा के लिए कोई स्पष्ट नीति नहीं है। अभी जो केंद्र सरकार ने नई शिक्षा नीति लाई है वो तो अधोगामी परिणाम देने वाली है, और दुर्भाग्य ये है कि जो अपने आप को सड़क पर आने की बात करने वाले लोग थे या जो उनको सड़क पर आना चाहिए प्रतिपक्ष को, वो सब एयर कंडीशन कमरों में बैठे हुए हैं,
वो अध्यक्ष भी रहना चाहते हैं, नेता प्रतिपक्ष भी रहना चाहते हैं, अपने बेटे को सांसद भी बनाना चाहते हैं, वो सब सारे सुख लेना चाहते हैं, लेकिन जनता के लिए इनमें से कोई काम करने को तैयार नहीं है। अगर आप चलिए बहुत बड़ी बड़ी बात आपने कही, इसका जवाब मैं आपसे चाहूंगा। अरे सुनिए, अरे सवाल सड़क पर आने के लिए, चलिए सवाल मेरा आपसे ये है, देखिए नेताओं को चाहे आपके हों या बीजेपी के हों, उनको राजनीतिक सभा करने के मामले में कोरोना रोकता नहीं है, पर अगर गणेश जी का पंडाल लगना हो तो कोरोना रोकता है। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जब इतना बड़ा एक धार्मिक पर्व आया कांग्रेस की तरफ से, क्यों नहीं मंडल स्तर पर, जिला स्तर पर, प्रदेश स्तर पर विरोध हुआ कि भाई ये मतलब हो क्या रहा है, कोरोना क्या सिर्फ गणेश जी के लिए ही है, बाकी और किसी के लिए नहीं है? देखिए प्रकाश जी, आज बीजेपी के साथी नहीं है, ये सवाल तो उनसे पूछना चाहिए, फिर भी मैं कहता हूँ। नहीं, मैंने तो उनको भी दोषी ठहराया है। केंद्रीय सरकार ने गाइडलाइन बनाई है, अगर उसका अनुपालन ये करने के लिए सरकार सक्षम नहीं है या कलेक्टर एसपी उसको पालन नहीं करा पाते हैं, तो इसमें केवल भारतीय जनता पार्टी का स्वार्थ देखिए, किस प्रकार से उन्होंने कोरोना काल में जो ये आयोजन किया, जिसके अंदर वो इतने हजारों की संख्या में उपस्थित हुए, न सोशल डिस्टेंसिंग वहां पर थी, जो शारीरिक दूरी होना चाहिए न वो थी, न किसी के ऊपर मास्क पहना हुआ था, जो मंच पे नेता लोग थे उन्होंने भी उसका पालन नहीं किया, तो आखिर इस बात के दोषी कौन है? भारतीय जनता पार्टी के लोग। जब हाई कोर्ट ने उस बात पे आपत्ति ली है और वहां की जो शासन है, जिला प्रशासन है, उससे पूछा है कि किस प्रकार से आपने उनको अनुमति दी, क्योंकि अगर आप ऐसे कोरोना काल में जो विश्व स्तर पे चल रहा है, अगर उसमें आप अगर नियमों का पालन नहीं करोगे तो आखिर किसका दोष? जो सरकार में बैठे हैं वही उसको तोड़ रहे हैं, तो ये दोषी तो सरकार हुई। तो विपक्ष में तो आप है ना साहब, उंगली तो आप उठाएंगे ना। हमने कहा है कि जो नहीं, इसके लिए केंद्र सरकार की तरफ से जो नियम बन के आते हैं, मेरा अनुरोध सुन ले, अरे मेरा अनुरोध तो सुन ले, मेरा सवाल सुन ले, अनुरोध सुन ले, क्या कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ जी राज्यपाल के पास एक डेलीगेशन लेकर गए कि भाई साहब ये देखो यहाँ धज्जियां उड़ रही हैं? बिल्कुल, हमारे नेता लोग गए हैं, कहाँ गए? एक भी नहीं गया राज्यपाल के पास। संभाग की जनता भी हाई कोर्ट में गई है और हाई कोर्ट के संज्ञान में ये बात लाई गई है। अरे हाई कोर्ट नहीं, मैं अभी आपने ही संवैधानिक बात कही, तो संवैधानिक अगर कोई भी गड़बड़ी होती है तो तत्काल राज्यपाल से शिकायत की जाती है। तो आपसे मेरा आग्रह बार बार है कि कोई नहीं गया आपके यहाँ? जो हमारे वहाँ पर नेता लोग बैठे हैं और हमारे जो मुख्य प्रवक्ता वहाँ के ग्वालियर चंबल संभाग के माननीय, अरे ये खाली ग्वालियर की बात थोड़ी है, ये तो पूरे प्रदेश की बात है, और एसपी और कलेक्टर के ऊपर कार्रवाई करने की बात कही है। मैं तो शासन ने जो खुद रहकर उल्लंघन किया है उनके ऊपर भी कार्रवाई होना चाहिए। नहीं, आपका कहना बिल्कुल 100% सच है, पर देखिए क्या होता है, जनता आपसे अपेक्षा करती है कि अब आप विपक्ष में हो तो आपने जिनको कहा था सड़क पे उतर जाओ वो तो सड़क पे उतर के निकल लिए अपने सिंहासन पे, आप लोग वाकई में अभी सड़क पर हो तो थोड़ा कुछ दिखाओ ना सड़क पर कि हाँ भाई ये है कांग्रेस, ये है कमलनाथ जो एसी कमरों में नहीं सड़क पर नज़र आते हैं। नहीं, अगर ऐसी परिस्थितियाँ बनेंगी हमको शासन प्रशासन अगर छूट देगा तो निश्चित रूप से आप समझिए कि कांग्रेस मतलब इसके लिए भी जनता की लड़ाई लड़ने के लिए सड़क पर उतरने के लिए इसके लिए भी मतलब प्रशासन आपको हथेली लगाए कि चलो भाई साहब आंदोलन करो और हमें इजाजत मिलती है तो निश्चित रूप से हम सड़क पर उतरकर देश की जनता के लिए, प्रदेश की जनता के लिए हम ये लड़ाई लड़ेंगे। बताइए साहब राकेश जी, ये त्रिलोक जी का इतना मासूमियत भरा जवाब है, इसी मासूमियत पे बात कहता हूँ कि पूरी कांग्रेस मासूमियत से इस बात को भूल रही है कि गणेश उत्सव जो है कांग्रेस की ही चलाई हुई परंपरा है इस देश में। बिल्कुल, बाल गंगाधर तिलक ने सबसे पहले चलाई थी महाराष्ट्र और वो कांग्रेस के ही थे। कांग्रेस ने को इस पर कोई नोटिस लेना चाहिए था, कांग्रेस ने कोई नोटिस नहीं लिया, किसी प्रकार का विरोध नहीं किया, क्योंकि सारी कांग्रेस उस परिपाटी पे चल रही जिसे नूरा कुश्ती कहते हैं। कमलनाथ जब मुख्यमंत्री थे तब थोड़ी तो ज़्यादा थे और अब थोड़ी तो कम है, क्या अंतर है? वो जो सारी सुविधाएं तब प्रतिपक्ष के नेता के रूप में बीजेपी के पास थी, वह सारी सुविधाएं आप ले रहे हैं। प्रश्न जनता का है,
आज जनता की भावनाएं गणेश उत्सव के साथ जुड़ी हुई हैं। हाई कोर्ट जो गए हैं वो किसी पार्टी के कार्यकर्ता नहीं गए हैं, वो आम नागरिक गए, उस पर हाई कोर्ट ने नोटिस लिया है। कांग्रेस की तरफ से या किसी पार्टी की तरफ से एक चिट्ठी और एक बयान जारी नहीं हुआ है। अच्छा, मैं एक सवाल और त्रिलोक जी, अरे त्रिलोक जी, मेरा एक सवाल, अरे आप उस पर मत जाइए, अब सवाल दूसरा सुन लीजिए। अभी मेरा कहना यह है कि अब राष्ट्रीय स्तर पर तो 6 महीने के लिए सोनिया जी हो ही गई हैं, क्या प्रदेश में भी कुछ थोड़ा बहुत बदलाव होगा या ऐसे ही चलता रहेगा, बड़े बड़े इश्यूज आएंगे और उनको आप ऐसे ही हाथ से जाने देंगे? नहीं, देखिए जहाँ तक कमलनाथ जी का सवाल है, माननीय कमलनाथ जी ने अपने उसके बाद यहाँ पर जाके केंद्र में दिल्ली में जाकर अपना इस्तीफा सौंपा था कि वो नए प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति की जाए, लेकिन वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए और जिस प्रकार से हमारी सत्ता को हटाया गया या वो कर दिया गया, सरकार को गिरा दिया गया, तो ऐसी परिस्थितियों में कमलनाथ जी को ही नेतृत्व करने का मौका मिला है। और आप निश्चित मानिए कमलनाथ जी जिस लगन से आज काम कर रहे हैं, तो कोई शायद और कोई दूसरा व्यक्ति हो, बहुत बढ़िया, तो इतनी दिलचस्पी के साथ, इतनी ताकत, इतनी शानदार बात आपने कही है। और मेरे पास चर्चा का उत्सव की बात रही, हाँ, तो माननीय मैं आपको निवेदन कर दूं कि जो जिस संप्रदाय का या जिस धर्म को मानने वाला है उसको पूरा, जैसे गणेश का केवल सार्वजनिक जो पंडाल थे उसको लगाने का सरकार के द्वारा या केंद्र के द्वारा मनाई की गई, इसलिए गणेश उत्सव तो मनाया जाएगा, घरों के अंदर उनको बिठाया गया है। और कमलनाथ जी ने जब अभी राम मंदिर के, चलिए आगे की बात आती है, तो उन्होंने हनुमान चालीसा के पाठ किए और खुद भी उपस्थित रहे। सबसे ऊंची मूर्ति पूरे मध्य प्रदेश के अंदर हनुमान जी की कमलनाथ जी ने ही स्थापित लगाई है, बहुत बढ़िया। लेकिन चलिए हो गई कशीदा कारी, हो गई धर्म का पालन करता है तो उसको सांप्रदायिक बता दिया जाता है। नहीं नहीं नहीं, कोई सांप्रदायिक नहीं है, जो धर्म को आधार मानकर चलती है। चलिए, मैं, मेरे पास चर्चा का इतना ही समय था। केंद्र में सोनिया जी और प्रदेश में कमलनाथ जी, आम कांग्रेस की मजबूत या व्यवस्था ये है कि वो इन दोनों की बड़ाई करने के लिए मजबूर है। और क्यों मजबूर है? क्योंकि सबके सब हस्तिनापुर से बने हुए हैं। जो कुछ गलत भी होगा तो उसे भी विदुर जैसे लोग नहीं हैं जो बता भी पाए, और बता भी पाए तो नक्कार खाने में तूती किसकी बोलती है। न्यूज़ ऑब्जर्वर के खास कार्यक्रम विशेष में इतना ही, लेकिन बेबाक खबरें यहाँ निरंतर जारी रहेंगी। आप देखते रहिए न्यूज़ ऑब्जर्वर, न्यूज़ ऑब्जर्वर यानी सिर्फ खबर।